अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, ओके। सो हमने लास्ट क्लास में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कवर किया था, ठीक है। आज हम फंक्शन पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, किस तरह से वो चीजों को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो आज जो हम टॉपिक को कवर करेंगे वो हम स्लाइड्स के थ्रू नहीं करेंगे, आज हम एक वीडियो देखकर अपने टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। कल जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ाया था, आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप पहले वो पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम आगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को कवर करें। लेकिन हम स्ट्रक्चर का एक मतलब इस वीडियो में रिवीजन भी देख लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हमारे पास नेफ्रॉन में, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव: To understand the structure of a nephron in detail. The excretory system in human beings consists of a pair of kidneys. A magnified view of the longitudinal section of kidney shows two prominent regions, a cortex and a medulla. ओके बच्चों, देखें आप यहाँ पर, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, उसमें दो हमारे पास किडनी पाई जाती है, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन में से है, ठीक है। अब ये जो एक्स किडनी होती है, अगर इसका हम एक सेशन लें और उसे अंदर से देखें, तो वो कुछ इस तरह से आपको किडनी दिखेगी, ठीक है। अब आप जब मैं आपको पढ़ा था, मैंने आपको कहा था ना, आपके पास पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो पैरामिड ये होते हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है? मेड्यूला, ठीक है। और ये बाहर का हिस्सा आपके पास क्या है? कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है। इस तरह से आपके पास किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। As we zoom into the cortex region, अब ये कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स से ऊपर यहाँ पर ऊपर आपके पास क्या मौजूद होता है? नेफ्रॉन, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ भी गया है। तो अब हम अगर इस के अंदर जाके देखें, ठीक है, मेड्यूला के अंदर, तो हमें दिखेगा कि नेफ्रॉन किस तरह से है। Shows the presence of numerous nephrons. Each nephron has a Bowman's capsule, आप देख सकते हैं कितने सारे नेफ्रॉन जिसे किडनी के अंदर मौजूद है, ठीक है। इन सब का काम क्या है? सेम काम है फिल्ट्रेशन का, एक एक देखें नेटवर्क बना है पूरा। Small convoluted tubule. Okay, स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पास नेफ्रॉन में क्या होता है? सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो कि हमने देखा था, ठीक है। फिर ये आगे यू शेप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे लूप ऑफ हेनले, अ लूप ऑफ हेनले, अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आपके पास आ जाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले के बाद, ठीक है। और फिर आपके पास आगे आएगा कलेक्टिंग डक्ट, दैट लीड्स टू अ कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन्स आर कॉन्वोल्यूटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन एंड स्ट्रेटन आउट एज लूप्स इन द मेड्यूला। ओके, सो कॉर्टेक्स और कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की बात करें हम, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की बात अगर हम करें, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं, जबकि लूप ऑफ हेनले हमारे पास कहाँ होता है? वो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है और मेड्यूला के अंदर होता है, ठीक है। मेड्यूला रीजन। Each nephron has a Bowman's capsule, which is a cup-shaped structure that has a layer made of squamous epithelial cells. ठीक है बच्चों, सो अब हम अगर देखें कि हम जब उसे देखते हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर की तरफ देखें, ठीक है, कप शेप का स्ट्रक्चर होता है बोमेन कैप्सूल, जिसकी वॉल्स किससे बनी होती है? एपिथीलियल सेल से, ठीक है। एपिथीलियल सेल के बारे में आपको पता है कि एपिथीलियल कौन सी होती है? आउटर लेयर होती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि सरफेस को बनाती है। जैसे ये क्या है? ये सरफेस है, ठीक है। तो ये किससे बना है? स्क्वेमस एपिथीलियल, स्क्वेमस ये कहते हैं इस तरह स्क्वायर स्क्वायर वाले को, ठीक है। तो ये स्क्वेमस एपिथीलियल सेल है, जो कि आपके पास ऐसे हेक्सागोन शेप में मौजूद है। इन द कैविटी ऑफ द बोमेंस कैप्सूल देयर इज अ बंडल ऑफ कैपिलरीज नोन एज द ग्लोमेरुलस।
ओके, फिर हमने बोमेन कैप्सूल में अंदर की तरफ जब देखा था, हमने कहा था कि बोमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारे कैपिलरीज का एक जंक्शन मौजूद होता है, ठीक है, एक नेटवर्क मौजूद होता है कैपिलरीज का, जिसको हमने किस चीज का नाम दिया था, ग्लोमेरुलस का नाम दिया था, ठीक है। द ब्लड वेसल एंटरिंग द बोमेन कैप्सूल इज नोन एज द एफेरेंट आर्टेरियोल। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर दो ब्लड वेसल्स आती है, एक एफेरेंट आर्टेरियोल्स और एक इफरेंट आर्ट्यूल्स, ठीक है, दो वर्ड आते हैं हमारे पास, एफरेंट आर्ट्यूल्स और इफरेंट आर्ट्यूल्स। जो एफरेंट आर्ट्यूल्स होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो नेफ्रॉन तक ब्लड को लेकर आए, ठीक है, क्या करे, ब्लड तक नेफ्रॉन को लेकर आए, ठीक है। एफरेंट आर्ट्यूल नेफ्रॉन में पाई जाती है, तो ये एफरेंट आर्ट्यूल जो है ये ब्लड को नेफ्रॉन तक ला रही है, और जो इफरेंट आर्ट्यूल है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये नेफ्रॉन से ब्लड को लेकर जा रही है, ठीक है। And is thicker than the blood vessel exiting the capsule, which is thinner, and is known as the efferent arteriole. The Bowman's capsule and the glomerulus together form the Malpighian body. This capsule extends into the proximal convoluted tubule (PCT) on the inner side. This tubule is lined by a brush-bordered epithelium with numerous. अच्छा, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं इसके अगर हम अंदर जाके देखें तो इसके अंदर बहुत सारे ब्रश बॉर्डर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोविलाय, आप देख सकते हैं ये कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, सो विलाय हमेशा इसी डायरेक्शन में इसी तरह से मूव करते हैं। दिस माइक्रोविलाय, दिस पीसीटी लीड्स इनटू द लूप ऑफ हेनले व्हिच लाइज इन द मेडुला रीजन, इट इज यू शेप्ड एंड हैज अ डिसेंडिंग लिंब, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है ये